एक मिनट रुक मैं समझाना। बस हार पाने इतने खड़ो लाइन में खड़ो ना आता जी अभी चलो पीछे चलता है। अबे बाजी फारूक साहब जनाब अशफाक साहब जिंदाबाद अशफाक साहब आगे बढ़ो हमारे साथ हैं अशफाक साहब आगे बढ़ो हमारे साथ हैं जनाब बाजी फारूक साहब जिंदाबाद। मैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि अवाम के बीच में आके इनके ख्यालात इनके विचार जो हैं सुन रहा हूँ। आज कयूम साहब ने इस रोड का प्रोग्राम जो रखा था इसके लिए थोड़ी बहुत ही हमारी कोशिश चली बाजी साहब की और मेरी जॉइंटली एफर्ट्स जो हैं लगे हुए हैं इंशाल्लाह और ये सड़क जो है इंशाल्लाह मुझे लगती है कि जल्दी लगता है कि जल्दी से जल्दी पाए तक मिल पहुँचेगी। आज हमारा रोड का इनाग्रेशन का भी मसला था और साथ में कयूम साहब जो हैं हज पे जा रहे हैं दोनों प्रोग्राम जो इकट्ठे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और इनकी शुभकामनाएं और इनकी दुआएं लेने के लिए हम आए हैं क्योंकि हुज्जाज इकराम जब बैतुल मुकद्दस का दीदार करने के लिए जाते हैं हज के लिए जाते हैं तो उनकी दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं तो अल्लाह करे इनकी दुआओं में हमारा हिस्सा हो और इनको हम खुशी खुशी अलविदा भी करें और साथ में ये रोड का जो शुभ काम है मैं कहता हूँ ये भी हज से कम नहीं है और लोगों को ये कनेक्टिविटी लोगों की बिजली पानी का मसला ये इंशाल्लाह मेरी मेरे टारगेट्स में है और मैं दिन रात इसके लिए लगा हूँ। अल्लाह करे मेरी ये काविशें मेरी कोशिशें इसमें इनमें बरकतें हों और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम का काम निकले खैरुन्नास मैन्नास लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। मेरा अज़म है मेरा इरादा है कि मैं अपने टेन्योर में इंशाल्लाह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाऊँगा। बाकी मेरा इरादा है काम बनाने वाला ऊपर वाला है इंशाल्लाह काम होंगे और उम्मीद रखे अवाम कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होंगे। शुक्रिया। अशफाक साहब पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो ज़्यादा खामोश रहते हैं पब्लिक इशू पे बोलते नहीं इस वाले से क्या है? देखो जी मैं एक तो हेरिडिटी फैक्टर है मैं इसमें कोई शक नहीं कि मैं खामोशी को पसंद करता हूँ और ज़्यादा बक बक लगाना ये मेरे हिसाब से मैं इसको ना इसके हक में हूँ और मैं इसको पसंद भी नहीं करता हूँ लेकिन जब मुझे मौका आए तो इंशाल्लाह बोलने में कभी गुरेज भी नहीं करते और आवाम के जनरल इश्यूज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन तक ना कि मीडिया पे आवाम के इश्यूज जो हैं वो हमारी काउंसिल की मीटिंग हो तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जानती है कि आवाम के इश्यूज सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऑनरेबल मेंबर बहुत सारे रखते हैं लेकिन मैं भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छे रखता हूँ। बाकी एलजी साहब चीफ सेक्रेटरी जिनसे सुबह शाम में जुड़ा रहता हूँ डिबकम साहब हों या और पूरी यूटी की इंतजामिया है उनसे मैं अपनी आवाज़